फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम तेल में सूजी का एकदम हेल्दी नाश्ता, जिसे आप बना के ब्रेकफास्ट में या बच्चों को लंच बॉक्स में या जब भी कुछ हल्का खाने का मन करे तभी बना सकते हो। तो सूजी का नाश्ता बनाने के लिए हम एक बर्तन में 2 कप सूजी, जो फाइन वाली बारीक वाली सूजी आती है, वो ले लेंगे। तो ये 2 कप मैंने मेजर करके ले लिया है। उसमें हम 1 कप दही, दही अगर खट्टा होगा तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो 1 कप दही डाल देंगे। दही और सूजी को मिक्स कर लेंगे। तो ये रेसिपी से आप 4 से 5 लोगों के लिए मकई सूजी का हांडवा बना सकते हो, और ये बहुत ही कम तेल में बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो मैंने दही सूजी को मिक्स करके 1 कप पानी डाला है, मिक्स करेंगे। और हम 1 कप जितना पानी डाल देंगे, तो सूजी हम इसे 10 मिनट के लिए भिगोएंगे तो सूजी हमारी फूल जाएगी। तो हमें पहले से ही बैटर को थोड़ा पतला रख के ही भिगोना है। तो 2 कप सूजी के हिसाब से मैंने 1 कप दही और 2 कप पानी डाल दिया है, मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो एकदम अच्छे से स्मूथ, और बैटर अभी पतला है। जब ये भीग जाएगा तब ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 10 मिनट के बाद सूजी है वो भीग गई है और फूल गई है। तो आप देख सकते हो बैटर हमारा अभी गाढ़ा हो गया है। और अभी हम इसमें नमक डाल देंगे। तो 2 टीस्पून जितना मैंने नमक डाल दिया है, 1/2 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 गाजर कद्दूकस किया हुआ, और गाजर मीडियम है, और 1 से 1.5 कप जितने उबले हुए मकई के दाने स्वीट कॉर्न। तो ये मैंने फ्रेश उबाल के है 3 मिनट के लिए, इसे गर्म पानी में उबाल के डाल दिया है। और 1 से 2 टेबलस्पून जितना बारीक कटे हुए धनिया डाल देंगे, 1 टेबलस्पून अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो, मिक्स कर देंगे। और अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो और मिर्ची अदरक का पेस्ट ज्यादा डाल सकते हो, मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो एकदम कलरफुल बैटर हो गया है। और लास्ट में हम उसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो स्किप कर दीजिए, नहीं तो प्याज का टेस्ट है वो ये हांडवों में बहुत ही बढ़िया आता है। मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बैटर अभी तैयार है। अभी मैं इसमें से इसके 4 हिस्से कर लूंगी। तो 1 हिस्से को हम 1 बाउल में निकाल देंगे। तो तकरीबन 1 कप से थोड़ा ऊपर बैटर है, और हम उसमें 1/2 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट, तो रेगुलर जो ब्लू पैकेट रहता है वो वाला मैंने लिया है उसमें, तो 1/2 टीस्पून जितना लेना है। तो सारे आपके हांडवोज है वो 1 पैकेट से बन जाएंगे। और 1 चम्मच जितना मैंने पानी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लास्ट में ऑप्शनल है, थोड़ा सा अगर तेल डालोगे तो हांडवो है वो एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो 1 टीस्पून जितना तेल डाला है, मिक्स कर देंगे। और अभी हम हांडवो को पकाएंगे। तो उसके लिए एक पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, उसमें हम 1/2 टेबलस्पून जितना तेल डाल के तेल को ऐसे फैला देंगे। और 1/2 टीस्पून राई के दाने, 1/2 टीस्पून तिल डाल देंगे। तिल और राई को थोड़ा होने देंगे, और हम उसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग, और 7 से 8 कड़ी पत्ते डाल देंगे। तो ये हमारा तड़का हो गया। उसके पर हम डाल देंगे हमारा हांडवो का बैटर, अच्छे से ऐसे फैला देंगे, और ढक्कन लगाकर हम उसे स्लो आंच पे 6 से 7 मिनट के लिए होने देंगे। अब चाहे तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हो, तो उसके लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट करके आप ओवन में एक साथ पूरे बैटर को 35 मिनट के लिए बेक होने दें, और उसमें भी इनो फ्रूट सॉल्ट डालें और तड़का भी ऊपर से डाल दीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया एक साथ रेडी हो जाता है। तो अभी इसे 7 मिनट हुए हैं,
और आप देख सकते हो ऊपर से हमारा हांडवो अच्छे से हो गया है, नीचे से थोड़ा हम देख लेंगे। और हांडवे को आप चाहे तो ऐसे साइड भी चेंज कर सकते हो, पर हांडवो टूट ना जाए इसलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। तो एकदम हल्के हाथ से हम इसे निकाल देंगे। और हम सेमी पैन में 2 टीस्पून जितना तेल डाल देंगे और हम राई और तिल डालेंगे। आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही हूं दूसरी बार। तो 1/2 टीस्पून मैंने वापस राई, 1/2 टीस्पून तिल डाल देंगे, थोड़ा होने देंगे और कड़ी पत्ते डाल देंगे। और हांडवो की साइड चेंज करके एकदम हल्के हाथ से हम इसे दूसरी साइड पकाएंगे। तो दूसरी साइड भी हमें इसे अच्छे से 6 से 7 मिनट के लिए स्लो आंच पे होने देना है। तो अंदर से हांडवो एकदम अच्छे से हो जाएगा और ये बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा। तो अभी 7 मिनट हो गए हैं। आप चाहे तो दोनों साइड घुमा के और क्रिस्पी कर सकते हो। सूजी का हांडवा है वो एकदम ज्यादा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब ये अच्छे से हो गया है, हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और ऐसे ही हम दूसरे हांडवो बनाएंगे। और दूसरी साइड से भी मैं ऐसे प्लेट रख के बता दूंगी। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया हांडवो हमारा हो गया है और इसका कलर एकदम अच्छा आया है। आप इसे एकदम चेक कर सकते हो, एकदम क्रिस्पी बना है और ये गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप इसके पीसेस काटिए और इसे गर्मा गर्म चाय के साथ या फिर चटनी के साथ या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दे दीजिए, सबको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर आपने ये क्रिस्पी सूजी का नाश्ता कभी नहीं ट्राई किया तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो आप ये एक बार मकई सूजी का टेस्टी हांडवा ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको सूजी का हांडवा इंस्टेंट सूजी का नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।